हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पंप से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन जो है पंप सीरीज का। और आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाई वी क्लोज डिस्चार्ज वाल्व ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप बिफोर स्टार्टिंग। यानी कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डिस्चार्ज वाल्व है पंप को चलाने से पहले क्यों बंद करके चलाते हैं या बंद क्यों रखते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों चलाने जाते हैं तो उसका डिस्चार्ज वाल्व हमेशा बंद करके रखते हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो चलिए दोस्तों इसे हम समझते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले पंप के परफॉर्मेंस कर्व की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें पंप के परफॉर्मेंस कर्व में तो उसमें एक और कर्व था जिसमें हमारा फ्लो वर्सेस पावर का था। जैसे जैसे हमारा पंप का फ्लो बढ़ता था वैसे वैसे पंप की पावर हमारी बढ़ती थी। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ेगा हमारी पावर बढ़ेगी। अगर पावर को हम एम्पियर से डिनोट करें तो हमारा एम्पियर, पंप का एम्पियर भी बढ़ेगा। एम्पियर कम हो रहा है तो इसका मतलब पंप का फ्लो कम हो रहा है। अगर एम्पियर पंप का जीरो है तो यानी कि हमारा पंप का फ्लो भी जीरो है। ये है ना दोस्तों, एक तो ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पावर बढ़ेगी, एम्पियर पंप का एम्पियर बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों ये है कि टॉर्क। टॉर्क क्या होता है दोस्तों? कि फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट एन एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। दोस्तों सपोज करो कि ये हमारी एक पहिया है, पहिया को इसी के एक्सिस पे रोटेट कराने के लिए जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसे रोटेट करने के लिए जो मैं ताकत लगा रहा हूँ उसे मैं कहूँगा टॉर्क। तो दोस्तों टॉर्क आप समझ गए कि किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं टॉर्क। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर है, इम्पेलर को रोटेट कराने के लिए जो हमारी ताकत लगती है यानी कि जो हमारी पावर लगती है उसे भी तो एक तरह से टॉर्क कह सकते हैं ना, कि जो हमारा पंप जो है रोटेट होगा तो वहाँ भी हमारा टॉर्क लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो दोस्तों इनिशियल जो टॉर्क होता है पंप में, जब हम पंप को चलाते हैं तो उस समय जो इनिशियल टॉर्क होता है जो लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। दोस्तों इनिशियल टॉर्क ज़्यादा क्यों लगता है जब पंप को हम स्टार्टिंग में चलाते हैं? इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे हम बचपन में साइकिल चलाने जाते थे दोस्तों, तो जब साइकिल चलाते थे तो शुरुआत में जैसे जस्ट हम जब स्टार्ट करते थे साइकिल चलाना तो शुरुआत में हमें पैडल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था, तब जाके हमारी साइकिल चलती थी, साइकिल के पहिया घूमती थी। तो शुरुआत में जैसे साइकिल चलाते वक्त शुरुआत में ज़्यादा पैडल पे जोर देना पड़ता था तब जाके हमारी साइकिल चलती थी। लेकिन जैसे ही साइकिल हमारी 20 मीटर 30 मीटर चल जाती थी तो उसके बाद हमें पैडल पे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता था, बहुत कम बल लगाना पड़ता था। सेम इसी तरह दोस्तों शुरुआत में पंप को चलाते वक्त जो इम्पेलर पे जो टॉर्क का फोर्स लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो दोनों केस में, एक तो हमारा सपोज करो कि हमने डिस्चार्ज वाल्व खोल दिया, पंप को चलाते वक्त हमने डिस्चार्ज वाल्व खुला रखा, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? एक तो हमारा फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा तो हमारा पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो हमारा पंप का एम्पियर बढ़ेगा, तो इस केस में एम्पियर बढ़ेगा। और दूसरा आप जानते हो कि जब पंप का इम्पेलर रोटेट होगा तो टॉर्क अधिक लगेगा, जब टॉर्क अधिक लगेगा तो पावर अधिक लगेगी, पावर अधिक लगेगी तो पावर को हम एम्पियर में ले तो पंप ज़्यादा एम्पियर लेगा शुरुआत में। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, हर एक पंप, कोई भी पंप हो, वो हाई एम्पियर पे ट्रिप रहता है। जैसे ही एम्पियर हाई आता है वो ट्रिप हो जाता है, यानी कि हाई लोड पे जैसे पंप का हाई लोड आया पंप तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो उस ट्रिपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद कर देते हैं। जब पंप का डिस्चार्ज वाल्व आपने बंद कर दिया तो यहाँ से फ्लो तुरंत हो गया जीरो, पावर हो गई कम, और जब पावर कम हो गई तो इनिशियल टॉर्क हमें जो है लगाना था वो हम लगा के पंप को
रोटेट करा दिए पंप के इंपेलर को, रोटेट करा दिए, और जब पंप एक बार रोटेट हो गया तो वो भी इनिशियल टॉर्क उसका भी अब जो ज़्यादा था अब वो भी कम हो गया, क्योंकि एमपी जो इंपेलर है एक बार घूम गया। तो इस केस में हमारा जो पंप है वो चल जाता है, और जैसे ही हमारा जो टॉर्क है इंपेलर पे जो ज़्यादा जो टॉर्क लग रहा है वो जैसे ही कम हुआ, हम पंप का डिस्चार्ज वाल्व खोल के बढ़ा डिस्चार्ज वाल्व खोलते जाते हैं और हमारा जो है फ्लो मिल जाता है। तो एक तो ये है कि अवॉइड ट्रिपिंग ऑफ द पंप वी क्लोज डिस्चार्ज वाल्व ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ट्रिपिंग से बचने के लिए हम डिस्चार्ज वाल्व वो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर नहीं वो बंद रखेंगे तो हमारा जो पंप है वो हाई एम्पियर पे ट्रिप हो जाएगा या हाई पावर पे ट्रिप हो जाएगा। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि जैसे सपोज करो कि ये पंप पी वन पंप जो है चल रहा है, दो सेम कैपेसिटी के हैं, सेम पावर के पंप हैं, लेकिन बस वही है क्या है कि एक एक्स्ट्रा पंप है जो है स्टैंड बाई पंप है जिसे कह लें। तो सपोज करो कि पी वन पंप हमारा चल रहा है, ये लाइन में है और ये 50 एम क्यू पर हावर के रेट से फ्लो दे रहा है, लिक्विड को भेज रहा है, यहाँ से सक किया और यहाँ से 50 एम क्यू पर आवर से भेज रहा है पी वन पंप, और पी टू पंप क्या है दोस्तों बंद पड़ा है। अब आप सोचो कि अब इसका डिस्चार्ज वाल आप ना बंद करो, सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों हैं, अगर डिस्चार्ज वाल इसका ना बंद करो वैसे ही चला दो तो क्या होगा दोस्तों, होगा कुछ नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक पंप लाइन में है और 50 एम क्यू पर आवर का हमारा फ्लो रेट दे रहा है, दूसरे पंप का अगर आपने डिस्चार्ज वाल्व नहीं बंद किया वैसे ही चला दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि इसका भी तो कुछ फ्लो होगा, इसका फ्लो सपोज करो कि 30 एम क्यू या इसका भी तो 40 एम क्यू पर हावर या 50 एम क्यू पर हावर ये भी तो फ्लो देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फ्लो है दोस्तों बढ़ जाएगा, 50 की जगह अब 80 एम क्यू पर हावर जाने लगेगा या 90 एम क्यू पर हावर जाने लगेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि हमारा जहाँ पे ये फ्लो जा रहा है प्रोसेस में अगर जा रहा है तो प्रोसेस हमारी सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो एक तरह से हमारा फ्लो डिस्टर्ब ना हो जाए उस वजह से भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाते हैं। और पहला जो रीज़न है वो अवॉइड ट्रिपिंग, पंप ट्रिप ना हो जाए इसकी वजह से हम पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों इसे और अच्छे से एक्सप्लेन मैं किया हूँ एक हैंड रिटन पेज पे, और उसे मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी आलोक रंजन 7441 पे शेयर किया हूँ, और आप उसे वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।